भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको यहाँ पे हम वीडियो में दे रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो दिया है ऑप्शन में ए अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद दूसरा है बी में अनुच्छेद 51 ए, और सी में दिया अनुच्छेद 56, और डी में दिया अनुच्छेद 21। तो कौन सा सही है? आंसर इसका सही आंसर ए, यानी अनुच्छेद 48 ए सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 315। आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ए अनुच्छेद 256 से 263 तक, बी अनुच्छेद 352 से 356 तक, और अनुच्छेद 250 से 280 तक। लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आंसर सही है? देखते हैं आंसर ए। आंसर ए यानी 256 से 263, इसमें आंसर जो है वो सही है यहाँ पे। फोर क्वेश्चन देखते हैं। चार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49A, डी अनुच्छेद 52A। आंसर बी। पांच का पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो दिया अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, और अनुच्छेद 350A, और अनुच्छेद 351। तो चार आंसर है, इनमें से कौन सा सही होगा? चलिए वो आंसर देखते हैं। आंसर सी, यानी अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट सी। छह, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 336, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 351। आंसर डी। सेवन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? चलिए आंसर देखते हैं। विकल्प दिया अनुच्छेद 32, बी में दिया अनुच्छेद 40, सी में दिया अनुच्छेद 48, और डी में दिया अनुच्छेद 78। तो इसमें कौन सा है? आंसर बी, यानी अनुच्छेद 40 इसमें सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। आंसर अ। नौ नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ऑप्शन दिए ए में अनुच्छेद 352, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 360, और डी में दिया अनुच्छेद 355। तो आंसर सही है अनुच्छेद 355, यानी इसमें विकल्प डी सही है, जो आंसर है 355। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356,
सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। आंसर अ 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? विकल्प है अनुच्छेद 249 ए में, बी में दिया गया है अनुच्छेद 280, सी में दिया गया है अनुच्छेद 368 और डी में दिया गया अनुच्छेद 370। चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर देखते हैं। क्या आंसर बी यानी अनुच्छेद 280 इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 18 भाग, बी 19 भाग, सी 20 भाग, डी 22 भाग। आंसर डी 13। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ए वित्तीय आपात, बी राष्ट्रीय आपात, सी राष्ट्रपति शासन और डी संविधान संशोधन। तो इनमें से किससे संबंधित है? यह आंसर सी राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 14। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 325। आंसर अ 15। शिक्षा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है जिसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी कहा गया देने के लिए? तो ये सी आंसर।